वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि अभी लोग स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो गाइज, अभी हो रहा है दोपहर और दोपहर के बज रहा है 1:02 और गाइज मुझे नींद नहीं आता बिल्कुल भी। और नींद नहीं आता तो मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो अभी मैं आ गई थी बाहर और बाहर आके मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाई जो कि मैंने अपलोड भी कर दिया है। और अभी मैं जा रही हूँ कुछ काम करने के लिए। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि आज अच्छा खासा धूपा निकला हुआ है, तो मैं सोची कि चलो कपड़ा सुखा ही लेते हैं आज। तो मैंने बहुत सारा आज कपड़ा धोया है, तो वो सारे कपड़ा को मैं अभी जा रही हूँ फोल्ड करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कल परसों तरसों 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो मैं कपड़ा नहीं धो पा रही थी। तो आज मैंने धोया है, बेडशीट वगैरह सब धोया है। तो चलिए उसे हम लोग फोल्ड कर लेते हैं। और गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गाइस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो गाइस क्या होता है ना, आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं हैं तो इस वजह से सुसाइड बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। मैं सोचती हूँ ये वीडियो बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो गाइज़ आप लोग वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए हम लोग कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। और गाइज देख सकते हैं, रुकिए मैं दिखाती हूँ, बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पे, चिड़िया, और आवाज़ भी कर रहे हैं। देख सकते, रुकिए देखिए, ऊपर में आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चिड़िया है वहाँ पे घूम रही है। इधर बहुत आवाज़ आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मैं वीडियो बना रही हूँ तो भाग रही है वो, उड़ रही है। दोपहर के टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या है ना कि आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुआ तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि धूप आएगा तो गर्मी आएगा ही, पर मैं यहाँ बरसात से बहुत परेशान हुई थी। क्योंकि गाइज़ क्या होता है ना कि जब बरसात हो जाता है ना, बारिश हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत पानी लग जाता है। मैं दिखाती हूँ आपको गाइज़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे, तो इस वजह से ना यहाँ पे पानी लगने की वजह से कीड़ा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आज तो ठीक है, एकदम सूखा सूखा सा है और अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर। मैंने झाड़ू वगैरह सुबह में ही लगा दिया था तो क्लीन है, पर यहाँ पर इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं ना कि बारिश कितना भी मतलब झाड़ू लगा दो पर यहाँ पे पूरा पत्ता पत्ता हो ही जाता है। तो चलिए गाइस हम लोग अंदर चलते हैं और फोल्ड करते हैं अपने कपड़ा। उठा लेती हूँ पहले, उसके बाद चलते हैं अंदर। कि मेरा कपड़ा अभी सूखा नहीं है और मुझे मिला है एक अमरूद जो कि कटा हुआ मिला है। दिखाती हूँ मैं पेड़ आप लोगों को, यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा है गाइस, छोटा सा है बट मैं बता नहीं सकती, इसमें से बहुत सारा निकला, उधर भी बहुत सारा गिरा हुआ है। तो दिखाती हूँ का पेड़ गाइस हमारे, देखिए फिर से गिरा पर मुझे मिल नहीं पाएगा लग रहा है, गिरा हुआ इधर बहुत सारा, मगर ये है अमरूद का पेड़, देख सकते हैं गाइस। मुझे तोड़ने में तो प्रॉब्लम होगा क्योंकि बहुत ऊपर है, आप लोग देख रहे हैं वहाँ से भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है बहुत ऊपर है, वहाँ पे तोड़ने में प्रॉब्लम होगा पर गिरा हुआ है तो। पर ये है गाइस, देख सकते हैं कटा हुआ नहीं खाना चाहिए। आ गई हूँ अंदर और चलिए कपड़ा फोल्ड करते हैं और बहुत सारा काम करेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। तो गाइस बाहर के काम की लिस्ट, मैं सारा कपड़ा कलेक्ट कर रही थी तो वहाँ पे सूखा भी नहीं था बिल्कुल भी। अभी 2 बज रहा था बट सूखा नहीं था, और तो मेरे पास कल का भी अभी बहुत सारा कपड़ा बचा हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा सूख नहीं पा रहा अच्छे से। तो मैंने कल का कपड़ा अभी इसे फोल्ड नहीं किया था, मैंने सोचा कि थोड़ा सा और ये भी सूख जाएगा तो फोल्ड करूँगी, तो मैं उसे ही फोल्ड कर रही हूँ गाइस। क्योंकि कपड़ा तो रखा ही रहता, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि जब तक कपड़ा उसको फोल्ड ना करो तब तक इधर उधर रहता है,
तो मेरा कपड़ा भी एकदम अच्छे से सूख गया था, तो मैंने सोचा कि इसे पहले फोल्ड कर देते हैं और फिर मैं उसे अभी शाम को उठाऊँगी। अभी छोड़ दे रही हूँ ऐसा, अभी धूपा भी है तो अभी अच्छे से सूख जाएगा। गाइज आज है संडे, संडे के दिन भी हमें हाउसवाइफ को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलता, तो ऐसे तो कोई भी ऑफिशियल वर्क हो या कोई भी काम हो ना गाइस, संडे को दिन तो छुट्टी मिलता ही है या हाफ टाइम होता है, बट एक हाउसवाइफ को किसी दिन हाफ टाइम भी नहीं मिलता। बट हम भी सोचते हैं कि हमारा घर का काम है तो हम सारा काम अपना टाइम से और अपने हिसाब से करते हैं, और जब हमें ही करना है तो हम क्यों ना अपने टाइम को अच्छे से उपयोग करें, अच्छे से काम करें। तो मैं इसी तरह से अपना काम को, मतलब जब भी ऐसा नहीं कि जब नींद नहीं आता तो ज़बरदस्ती सोना, ऐसा कुछ भी नहीं, जो है वो उसको कर दिया, क्योंकि हमारे काम जो भी रहते हैं ना उसको हम, जो ऐसे कहावत में भी है कि जो कल करो सो आज, आज करो सो अब, तो इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि इस धारणा पर ज़रूर चलना चाहिए। तो मैं इसी तरह से अपने काम को फटाफट करती हूँ और अच्छा भी लगता है और हमारा काम फटाफट हो भी जाता है, और उसके बाद जो भी टाइम मिलता है तो वो जो हम कल करने वाले थे वो आज कर लेते हैं, और जो भी काम हम लोग अभी कर लेते हैं तो हमारे लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और रियांस का कपड़ा आयरन और साथ में मेरे हस्बैंड का भी ड्रेस आयरन करना है और रियांस का भी करना है, दोनों का संडे के दिन छुट्टी इसीलिए नहीं मिलता। गाइस बच्चे को कपड़ा आयरन करना, प्रेस करना, धोना, हस्बैंड का धोना, आयरन करना, और उसके बाद फिर जूता पॉलिश हर चीज़ एक करके देना पड़ता है, और उसके बाद मुश्किल होता है, बरबर भी लोग मेहनत करते हैं इतना ज़्यादा हमारे लिए ही जो भी कर रहे हैं सो कर रहे हैं, तो इसे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो करें, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं जो भी। गई हूँ अब शूज़ को पॉलिश करने के लिए, मैं बाबू का भी और मेरे हस्बैंड का भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, ड्रेस आयरन होना चाहिए, बूट पॉलिश होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास दोपहर में टाइम होता है तो मैं ये वाला काम कर देती हूँ, क्योंकि और कुछ होना हो इस तरह के, उन लोगों का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन लोग बाहर जाते हैं और अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके, और एक हाउसवाइफ का काम है कि अपने हस्बैंड और बच्चे का मेंटेनेंस अच्छे से करे। और गाइस सबसे बड़ी भी प्रायोरिटी ये है कि आप अपने को बहुत ज़्यादा केयर करें, तो हमें ऐसा नहीं है कि दोपहर में रात को कभी भी जब भी हमें अपने लिए टाइम मिलता है तो निकालना चाहिए और अपने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। गाइस जब तक हम अपना हेल्थ ठीक नहीं रखेंगे, अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, तो हम अपने परिवार को अच्छा नहीं रख सकते हैं। तो गाइस आप लोग वीडियो भी देखते रहिए। गाइस मेरा बूट पॉलिश हो गया है, एकदम चमक गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब बूट चमकने लगता है, एकदम फिक्स हो जाता है। तो और आप लोग देख रहे हैं कि अच्छे से चमक गया है, और मैं अभी बॉटल में पानी भर चुकी हूँ और उसके बाद अभी मैं ले जाऊँगी फ्रिज में रखूँगी। गाइस मैंने दो बॉटल रख दिया पहले से, बट मैं भूल गई थी, वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ इस चीज़ को भी शेयर किया जाए। और मैंने बनाया था पुलाव और भेज पुलाव, और मैंने बनाई थी अरहर दाल का तड़का, तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वो सब चीज़ तो खा ही लिया था, बट मेरा कुछ मन था और हो गया था 4:30 के करीब में हो गया था, तो मैं सोची कुछ खाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सोए हुए थे तो वो लोग भी उठ गए, मुँह हाथ धोए, फ्रेश हो गए, और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो चाय बनाते हैं, और चाय और फिर पॉपकॉर्न खाते हैं। कुछ हल्का फुल्का दिल कर रहा था खाने का, तो फिर मैंने चाय और पॉपकॉर्न खाया। हम लोग
साथ में सब मिलके एंजॉय किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम लोग सोच रहे थे आज कि हम लोग कहीं जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए, देखिए कि हम लोग जा पाते हैं कि नहीं। और गाइस इसी सब में ना मेरा पॉपकॉर्न बिल्कुल फूल ही नहीं रहा था। मैं सोची कि फूलेगा कि नहीं, फिर मैंने तो उसको फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा एकदम हल्का कर दिया था ना, तो इसलिए फूल नहीं पा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा फ्लेम को ज़्यादा किया तो फिर वो फूलने लगा अच्छे से। और मेरा क्या हो गया कि चाय भी गिर चुका था, क्योंकि उनसे मैं बात करती अपने हस्बैंड से, तो इस वजह से बात करते करते हम लोग मेरा ध्यान उतर गया और चाय थोड़ा सा गिर लिया था। उसके बाद में पूछा करूँगी। और गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमको हम लोग जाएंगे मार्केट, और कल आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या लेके आती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।